दंतेवाड़ा में नक्सली आईईडी ब्लास्ट में हुए शहीद जवान रोशन कुमार को पुलिस लाइन कारली में सलामी दी गई और शहीद बिहार जिले के नालंदा का रहने वाला था, जिसको गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए सीआरपीएफ के और यहां पर साथ ही साथ डीआईजी और दंतेवाड़ा एसपी के साथ तमाम जो अधिकारी थे वो मौजूद थे। सलामी के बाद जवान का पार्थिव देह गृहग्राम भेजा जाएगा। वापस आते समय कैंप से करीब 600-700 मीटर दूर रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था पहले से, अभी तो काम बंद हो रखा है। वहीं रोड के किनारे गिट्टी का ढेर पड़ा हुआ था, उसी के अंदर छुपा के आईडी लगाया हुआ था। जवान का पैर पड़ा और वो गिट्टी का ढेर ब्लास्ट हुआ आईडी, और उसमें उसको काफ़ी चोट आ गई, जिसके कारण उसकी वहीं घटने स्थल पर ही मौत हो गई। करीब 800 मीटर दूर जो सीआरपीएफ बनने कंपनी थी वो कल रात गश्त पे गई थी, दो कंपनी वापस आ रही थी प्रेशर आईडी की चपेट पे आने के कारण एक जवान जो है शहीद हो गए। क्योंकि पुष्पाल कैंप और साधार कैंप के बीच में एक रफ्ते में करीब